दोस्तों दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह इंग्लैंड की गेंदबाजों की पिटाई करके इस मुकाबले में बना ली बड़ी बढ़त और भारत की टीम तीसरे दिन कर देगी इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह ढेर। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला जा रहा है और इस टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि दूसरे दिन क्या हुआ, जिसके बाद भारत की टीम और भी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और इंग्लैंड की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी और पहले बल्लेबाजी करके 246 रन बना लिए थे और दोस्तों भारत की टीम पहले दिन ही 111 रन बना लिए थे और भारत का केवल एक विकेट गिरा था। लेकिन जब दूसरे दिन भारत की तरफ से जायसवाल और सुमन गिल भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे तो फिर दोस्तों भारत को पहले ओवर में ही जयरूट ने बड़ा झटका देकर जायसवाल को आउट कर दिया। तो जायसवाल 80 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो दूसरे दिन भारत का विकेट काफी जल्दी गिर गया था, लेकिन इसके बाद सुमन गिल और केएल राहुल ने कमाल का प्रदर्शन करा, जहां इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से भारत की टीम ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर डाला था। लेकिन दोस्तों 150 रनों का आंकड़ा पार करने के बाद भारत को तीसरा झटका 159 रन के स्कोर पर लगा और ये झटका टॉम हार्डी ने देकर सुमन गिल को आउट कर दिया था और गिल केवल 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन केएल राहुल का बल्ला इस मैच में पूरी तरह गरज रहा था तो उनका साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर उतरे थे, तो अय्यर ने भी इस मुकाबले में पूरी तरह अंग्रेजों की बैंड बजा के रख दी थी। तो इसके बाद केएल राहुल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना 8 शतक भी पूरा कर डाला था और भारत की स्थिति को पूरी तरह मजबूत कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब भारत की टीम जैसे जैसे इंग्लैंड के ऊपर अपना दबाव बनाती जा रही थी तो भारत की टीम ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर डाला था, लेकिन इसी बीच 223 रन के स्कोर पर रेहान अहमद ने भारत को चौथा झटका देकर श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया था और अय्यर 35 रन की धमाधार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहाँ उनका आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ देने रविंद्र जडेजा उतरे थे, लेकिन इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी भारत का स्कोर ही इंग्लैंड से आगे कर डाला था और इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से ही भारत की टीम ने अब इंग्लैंड के ऊपर बढ़त बनाना चालू कर दी थी अब, और केएल राहुल तो अपने शतक की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे तो रविंद्र जडेजा भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन जब केएल राहुल को अपना शतक के लिए 14 रनों की जरूरत थी तभी केएल राहुल एक बड़ा शॉट खेल बैठे और 188 रन के स्कोर पर टॉम हार्डी ने केएल राहुल के 88 रन के स्कोर पर टॉम हार्डी ने केएल राहुल को आउट कर दिया था और दोस्त केएल राहुल 86 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो राहुल अपने शतक से 14 रन दूर रह गए थे। तो इसके बाद भारत और रविंद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया था। तो इस मैच में जडेजा काफी कमाल की लय में दिख रहे थे। तो इसके बाद किस भारत ने भी रविंद्र जडेजा का साथ देकर कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने 6 विकेट के लिए शानदार पार्टनरशिप करते हुए भारत का स्कोर 350 रन के पार पहुंचा दिया था और दोस्तों भारत की टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन जब 356 रन के स्कोर पर भारत को छठा झटका जयरूट ने दिए थे और जयरूट ने देकर शिखर धवन इस भारत को आउट कर दिया था, तो ऐसे भारत 41 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद अश्विन बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन जब अश्विन 1 रन भागने की कोशिश कर रहे थे तभी वो रन आउट हो गए थे और वो 1 रन बनाकर आउट हो गए थे और एक तरफ इस मैच में जडेजा कमाल का बैटिंग कर रहे थे। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भी आकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और इसके बाद पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत की टीम 421 रन बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, जहां जडेजा 81 रन बनाकर नॉट आउट खड़े हैं तो अक्षर पटेल ने भी 35 रन बना लिए हैं और भारत की टीम अब इंग्लैंड से 175 रनों से आगे चल रही है। और दोस्तों भारत की टीम अगर कल भी बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो फिर इंग्लैंड के ऊपर 300 350 रनों की बढ़त भी हो सकती है और भारत की टीम ये टेस्ट मैच काफी आराम से जीत पाएगी।